लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एम्बुलेंस के लिए कहा तुमने? जी हाँ, फोन कर दिया था, आती होगी। सर मैं एक बार फिर एम्बुलेंस को फोन करके आता हूं। बरामदे में जाके रख दो इसे, एम्बुलेंस अभी आती होगी। एसके, इस टेररिस्ट का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, मैंने तुम्हें कहा भी था। जी हाँ सर, लेकिन इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं सर। उसने खुदकुशी की है, किसी ने मारा नहीं उसे। एसके, वो तुम्हारे चार्ज में था। देखो, जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत आसान हो जाती है, मौत का खौफ निकल जाता है दिमाग से, और मुजरिम को वो हद कभी नहीं पार करने दी जाती। I'm sorry सर, आधी रात को जगा दिया था। खुदकुशी किस वक्त की उसने? शाम के वक्त, जब कैदी बाहर आते हैं। पता कब चला? 8 बजे, जब सेल खाली पाया गया। सेल खुला था? I think so सर। सॉरी सर। खुला कैसे रह गया? इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी सर। क्या खाक इंक्वायरी की जाएगी? 6 महीने से ज्यादा हो गए उसे तुम्हारे पास, और तुम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए
कि वो किस ग्रुप से जुड़ा था? दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ा तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लतों से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ा
श्रीकाल पाजी। वीरा दरवाजा खोल दे, कृपाल आया है। चूड़े पढ़ना। ये क्या हुआ? क्या हुआ? मुंह खोल। आ फट पाली। ओए जस्सी आजा 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 आ आ आजा। चल 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 तेरी तो बना दूंगा मैं लस्सी। क्या क्या करते हो मुंडियो, ये कोई जगह है खेलने की? तेरी पणो बीजी जूंदे रहो, ना खेलिया करो पत्थर की गेंद से, लग जाएगी कहीं। बीजी 10 साल के थे हम जब से तू जसवंत को मना कर रही है, तो अभी तक तो माना नहीं। तू कौन सा मान गया है? मैं अब भी मान जाता हूँ। ये ले फड़ौकी और सीधा कर दे इसे। ओए गद्दारा चुप। ओए मारूंगी उसे और निशान पड़ेंगे तेरी पीठ पे। मैं क्या जानती नहीं तुम दोनों को? ओए लैला मजनू का इश्क है हमारा बीजी, साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे। वो तो साथ साथ नहीं जिए थे और ना मरे थे साथ साथ। हाँ कोई और मिसाल ढूंढ लेते हैं। क्यों जैसी? जसवंत भाई आते फागुन में वीरा को विदा कर दे। ले दांत उन्हें रही थी, अब मेरे पीछे क्यों पड़ गई? और पाली बस जाए तो शायद तेरा भाई भी नकल करे उसकी, है तो दोनों एक ही जैसे। बीजी ब्याह भी एक साथ ही करेंगे, तू लड़की तय कर दे इसके लिए तो एक साथ एक ही दिन लावा फेरे लेंगे। हला ये नहीं करेगा तो वीरा क्या बैठी रहेगी घर में? वो तो क्या हुआ अपना ही घर तो बैठी है, ब्याह के भी कहां जाएगी, यही तो रहेगी। ले तू क्या उसको घर जवाई बना के रखेगा? ये रख ले मुझे घर साला बना के। What happened, Meera? Look at that, Paji. Yes, what is it? अंदर क्यों आ रहे हैं आप? What's the problem? बताते हैं बताते हैं, तुम सर के साथ जाओ। Yes sir. क्या बात है भाई, क्या बात? यहाँ क्यों आए आप? हुआ क्या है? तुम पीछे की तरफ जाओ। क्या चाहिए क्या आपको? और साहब क्या चाहिए आपको? Don't worry, you'll know it. You'll know it. क्या बात है खुराना साहब? तुम्हारा नाम जेएस रंधावा है? आइए जसवंत सिंह रंधावा। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। वो क्यों? सुना है तुमने अपने घर में किसी टेररिस्ट को पनाह दे रखी है। टेररिस्ट? कौन से टेररिस्ट की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा क्या नाम है? कृपाल सिंह। कृपाल, इनके क्या लगते हो? जी ये मेरी बहन के मंगेतर हैं। कितने लोग हैं घर में? मेरा मतलब कितने लोग हैं परिवार के? यही सब लोग हैं जो बाहर हैं या कोई अंदर भी है? नौकर चाकर तो होंगे, कोई मेहमान भी है आजकल घर में? उधर क्या पूछ रहा है वोरा, मुझसे बात कर। हीरा तू अंदर जा, पीजी को भी ले जा। दिल्ली से भागा है केदारनाथ एमपी का खून करके। क्या नाम बताया? जिमी। जिमी? जिमी है या भगा दिया है? आइए मिला देता हूं। चलो आइए। सावधान रहना। यस सर। ओ जिमी, ओए जिमी,
जिमे, जिमे, कम शूटिंग, कम बेबू, कम, ये आजी जिमी। और ये किसी एमपी वेमपी को नहीं पहचानता, बहुत काय से इलेक्शन में खड़ा हो जा, माने ही नहीं। लो राम सिंह, खोदा पहाड़ और निकला कुत्ता। शट अप। सॉरी सर। अगली बार इसे आप अपनी पार्टी का टिकट दे देना इलेक्शन में। चल ओए, चल आजा। कम कम कम। लो जी, इंट्रोडक्शन तो हो गया ना जिमी। चल चल देखा। चल जरा चौकी तक चल मेरे साथ। वो क्यों? सवाल नहीं, गाड़ी में बैठ जा, बिठा लो इसको। चलो चलो। ठहर ठहर ठहर, ये क्यों जाएगा पुलिस चौकी भाई? ओ कुछ नहीं, आ जाएगा आधे घंटे में। दो चार सवाल करके छोड़ देंगे, नहीं तो तुम लोगों के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी और वो तुमको महंगी पड़ सकती है। चलो चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ओए काना आ जाएगा, गले क्यों पड़ रहा है? ओए पाली पाली रैंडे, तू बीजी वीरंग ख्याल रख, मैं आता हूँ थोड़ी देर। लेकिन यार चल, मैं जा अंदर। चल चल बैठ। सर आप चलिए, आई फॉलो यू। हाँ हाँ, डोंट वरी। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों लगे पाजी को? तू अंदर चल, मैं तुझे बताता हूँ। आजा आजा। पर क्या क्या पाजी ने जुले गया उनको? कुछ नहीं किया, तू अंदर चल ना, मैं तुझे बताता हूँ। आजा प्लीज आजा, बिलीव मी, कम। आधा घंटा कहा था? तीन घंटे हो गए। क्या बात है भाई, किसे मिलना है? इंस्पेक्टर कौन से? है अंदर आने दे। जाओ। हाँ भाई क्या है? मैं भिमेड़ी से आया हूं साहब, हमारे भाई को पुलिस उठाकर ले गई थी, कहा था आधे घंटे में छोड़ देंगे, तीन घंटे हो गए अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या किया था उसने? कुछ नहीं साहब, पुलिस किसी टेररिस्ट को ढूंढ रही थी, जिम्मी नाम के, ढूंढता हमारे घर आ गई। तुम्हारे घर में छुपा था? अरे हम तो जानते नहीं किसी जिमी को। तो फिर जिमी कौन है? हमारे कुत्ते का नाम है। सर जी कुछ और तो नहीं मिला, थोड़ा सा महाप्रसाद धुनवा के लाया। हाँ ठीक है अंदर रख दे। जी हाँ, तो क्या नाम बताया तुमने अपने कुत्ते का? जिमी। हाँ तो पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुम्हारे कुत्ते को? देखिए साहब वो दो थे, एक इंस्पेक्टर खुराना एक इंस्पेक्टर वोरा, यहाँ है कि नहीं? भाई इस नाम का तो कोई इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ, सदर थाने से आए होंगे। और सुन कोई रिपोर्ट तो नहीं खानी तेरे को? डीपी खुराना विजिलेंस में है शायद, सीनियर आदमी है भाई, या तो चंडीगढ़ गए होंगे या दिल्ली। लेकिन वो तो कह रहा था खुराना कि आधे घंटे में छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे मिस्टर, एक एमपी का खून हुआ है, इसकी इंक्वायरी तो पीएम तक जाएगी, वो बंदा रोज की गिनती वाला नहीं है। ये आतंकवादी भी हद करते हैं यार, सोच समझ के हाथ डालना चाहिए था। नाम क्या बताया तुमने? कृपाल। कृपाल सिंह? हाँ जी। बमेड़ी से?
जी ठीक है। जैसी आ गया बीना बीना हौसला रख बीना, पापा सब ठीक कर देगा। हाँ चुप कर वीरा, चुप कर। कानून तो हैं बेटा, शुरू से हैं, लेकिन उन चाबियों से अब वो ताले खुलते नहीं, इसलिए लोग उन्हें तोड़ने लग गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी दरख्वास्त तो कल कोर्ट में लगवा दूंगा, मगर देखिए सर, जो मेरा हक है, अधिकार है, उसे बार बार दरख्वास्त क्यों कहते हैं आप? मेरे भाई को बेवजह कानून उठाकर ले जाए और आप? कानून नहीं, पुलिस। उसने कुछ नहीं किया है सर जी, उसका सिर्फ इतना कसूर है कि उसने अपने कुत्ते का नाम जिमी रखा है और पुलिस किसी जिमी को ढूंढ रही थी, बस उठाकर ले गए उसे। 15 दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उसकी माँ 10 बार बेहोश हो चुकी है, बहन रो रो के पागल हो गई, और आप, क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? क्या इस जाती नहीं है कानून की, पुलिस की? पुलिस ही तो कानून की हिफाजत करती है ना। कुछ हो तो हिफाजत करें, कानून तो दोनों तरफ ही नहीं है। एक गुरेला बाहर चल रही है, जिसका मौका लगता है वो छापा मार जाता। आपसे कुछ नहीं होगा प्रोफेसर साहब। क्या कर रहा है पुत्र? कुछ कपड़े ले जा रहा हूं दादाजी, वो दोनों औरतें अकेली है ना घर में। जसवंत का कुछ पता चला? अभी तक नहीं। ये बंदूक चलती है दादाजी अभी भी? चलती थी जब शिकार पे जाता था, शिकार आएगा फिर चल पड़ेगी। मुली खाएगा? धोखे दूं? नहीं दादाजी, तेरी पूर्ण जिंदा रहे। अपना ध्यान रखियो और देख तैश ना खाइयो, तुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, ये हॉकी का मैच नहीं है। हला जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। चलूं दादाजी। ओए ओए ओ बदमाश। पाली, पाली। क्या हुआ वीरा? ये जिमी क्यों भौंक रहा है बार बार?
कुछ नहीं, कोई जानवर घुसाया होगा खेतों में। तू सो जा, मैं हूं ना, सो जा। जैसी जैसी जैसी, अरे 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 यार, ये क्या हाल बना दिया तेरा यार। जैसी बड़ा मारा यार, बड़ा मारा यार। मेरा हालात तो पार्टीशन से भी बदतर होते जा रहे हैं। अब क्या कहें, जिसके कलेजे पे लगती है वही जानता है। गलती की हो, गुनाह किया हो तो सह भी लेता है आदमी, लेकिन बेगुनाही की सजा नहीं सही जाती। आतंकवादियों ने भी तो आफत उठा रखी है। आतंकवादी क्या खेतों में उगते हैं? ये देखा आपने, ऐसे पैदा होते हैं आतंकवादी। ये साला देश ही अपना नहीं लगता, सरकार ही अपनी नहीं लगती। आते हैं, घूमते हैं, दौरे करते हैं, जैसे हुक्मरान आते हैं। क्या इसी देश के हैं वो सब? जैसे वो जमींदार आता है ना अपने लठैत और बंदूक वालों के साथ, देख कोई गांव मामाजा साल उठाए तो उड़ा देना, इसी तरह आते हैं सब। ओए, ओए। चलता है? हाँ, बहुत मारते हैं वो लोग। हाथों से? हाँ, लातों से भी? हाँ, डंडे और लाठियों से भी मरते हैं। और चुप करना, जितना सुनेगी उतना रोएगी। कभी कभी तो जी करता था कि गोली से मार देते तो अच्छा होता। मैं जानता हूं पाली से मेरी हालत नहीं देखी जाती। वो एक बार वीरम, पता है हम ना, पता है पता है, तुम लोगों ने कई बार अपनी जान खतरे में डाली है एक दूसरे के लिए। हाँ, पाली अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा है,
उसका बस चले ना तो सारे कर... पाली? हाँ? क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, क्या कर रही है तू? छोड़ दे, छोड़ ना। क्या कर कह रहा है? कुछ नहीं कर रहा, तू छोड़ दे इसे। किसे मारेगा तू? एक छोड़ देना। छोड़ पाली। एक तू छोड़। छोड़। छोड़ दे इसे। जिद मत कर। छोड़। वीरा, क्या कर रही है तू? वीरा रुक जा। वीरा पागल मत बन, रुक जा। बीजी, पाली आए? कब आता है कब चले जाता है कुछ पता ही नहीं लगता आजकल, मिला भी नहीं। वो मुझे पता है उससे मेरे जख्म नहीं देखे जाते, लेकिन मुझे तो देख जाता, मलम फेंक के चला गया उस दिन। उस दिन से आया ही कहाँ है, आज 8 दिन हो गए। अच्छा, फिर ये ट्रैक्टर कौन चला रहा था पीछे? वीरा है, वही देख रही है काम खेतों का। वीरा? ओए, वीरा ने ट्रैक्टर चलाना कब सीख लिया? ततू, बाहर और रखा है। हाँ जी। ले आ पुत्र, ले आ। वो इधर आओ चूड़िया, इधर आ। तूने ट्रैक्टर चलाना कब सीखा हैं? कृपाल ने सिखाया ना तेरे को? कृपाल ने सिखाया? वो है कहाँ? 8 दिन हो गए आया ही नहीं। पता नहीं, दादाजी ने भी कोई खबर नहीं दी। मैं जाके पूछा हूँ एक बार। नहीं, रहन दे, कहाँ जाएगी परले गांव कल्ली? प्लीज, पता ही नहीं किधर निकल गया। कह रहा था आनंदपुर साहब जाएगा, नहीं तो अमृतसर मत्था टेक के आएगा। जीते का पता पूछ रहा था जाने से पहले। चीता कौन? ले, थोड़ा गुड़ सत्तू रख ले। अब दिए घर आए तो मैं तो तेरे शगुन में भी यही देने वाला हूँ, गुड़ सत्तू। जीता कौन है? अरे सरजीत सिंह भाई, उसके फुफ्फड़ का बेटा। लेकिन उसकी कोई रपट अच्छी नहीं है। क्यों, क्या करता है? कुछ करता ही तो नहीं, चंगा पढ़ा लिखा था, कहीं कोई नौकरी ही नहीं बनी, बेकार घूमता रहा कई साल, फिर सुना है उन लड़कों में शामिल हो गया जिन्होंने तरथली मचा रखी है। अब पता नहीं अमृतसर में है या कनाडा में है। तेरी शादी तक घर तैयार हो जाएगा। चलाती है, तेरे को छोड़ा हूं मैं, बड़ा बुरा काल आ गया है,
पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे पंजाब को, और तू अकेले मत आया कर। देखती नहीं शाम ही से सारे का सारा गांव बुझ जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहला शाम को ढोल बजते थे, मुंडे चारों पासे कौडी कौडी खेला करते थे। अब तो न जाने किस मौत के साथ कौडी खेल रहे हैं। बाबूजी भाई
भाई साहब वो आपका कैमरा बस में तो नहीं रह गया? नहीं, मुझे गले में आपके कैमरा था ना भाई साहब, शायद बस में रह गया होगा। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
ले भी पाली, बारिश फिर शुरू हो गई, इसका भी तेरे मूड की तरह कुछ पता नहीं चलता। बड़ी कमाल की जगह नानू चाचा, मेरा बस चलता ना तो यहीं पे बस जाता। क्या करता, बेटे चराता? तो क्या हुआ, अगर रांझा भैंसे चरा सकता है तो हम छोटे रांझा से भेड़ साइज के। गल की थी यार, और फिर अपनी हीर को भी ले आता यहाँ, वीरा को। पता नहीं चाचा क्या होता। कितना वक्त हो गया, साल भर? एक साल तो हो गया हमें यहाँ आए हुए, उसके कुछ 4-5 महीने पहले देखा था। बहुत याद आती है ना अभी तक? ओ कोई नहीं कोई नहीं, बाबा सब ठीक कर देगा। अच्छा चाचा, बाबा क्या ठीक कर देगा? क्या ठीक कर देगा बाबा? क्या ऐसा हो सकता है कि वक्त की डांचे वापस आ जाए? क्या हम अपने घरों को वापस लौट सकते हैं? सनातन तो नहीं मानता। ये सनातन कहां मिला था तुझे? सनातन कहां मिला था मुझे, मैं ही जाके मिला था सनातन से। कहां? मैं था कि शायद लौट जाता चाचा, एक हाईवे पे ढाबे पर फिर मिल गया था उसे, पहले भी देखा था उसे बस में, लेकिन उस दिन एक बात कहूं, कुछ पूछना था, जरा सुनिए। देखिए भाई साहब, मैं कोई चोर उचक्का या बदमाश नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई हथियार है जिससे मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तलाशी ले लो बेशक, शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं किसी को ढूंढने निकला था, पर कहीं एकांत में आप मेरी बात सुन ले। चल मैं अपना बैग ले आऊं। और कौन है तेरे साथ? धर्मलाल कोई नहीं है, सौरभ दी। सरन तो काफी दूर है यहां से, है ना? हाँ पहुंच जाएंगे। आजकल कोई लिफ्ट भी नहीं देता, लोगों का एतबार ही उठ गया एक दूसरे के ऊपर। चढ़ जा पीछे। सत श्री अकाल जी। आ बैठ सनातन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसमें क्या है? कुछ नहीं जी, 2-3 मुंडे हैं अपने, सामान कुछ नहीं, आप चेक कर लो बेशक। जाने दो इसे। अच्छा जी चल ले जा। चलो चल।
ओए जा। सनातन को मालूम है कि तुम ट्रक में हो? हाँ। ये ट्रक किसका है भाई? अपने चीफ का है। वो कौन है? सामने है ना, चीफ हमेशा खुद ही ड्राइव करता है। ये क्या है भाई इन बोरियों में? अनार हैं, अनार। नहीं नहीं, सेब है, सेब। बम है? देसी है, यहीं बनाते हैं। अपना सनातन है ना, एक्सपर्ट है इस काम में। चलो मुंडियो। लाइए वो फ्रूट ले लो भाई, संभाल के। फड़ भी ठीक। ये कौन सी जगह है सर जी? आ जाओ, पता चल जाएगा। जीता क्या लगता था भाई तेरा? मेरा कजिन है, फुफड़ का बेटा है। है नहीं, था। तू उसे ढूंढने आया है या उसके कातिल को? मैंने मार डाला चीते को। पुलिस सिक्योरिटी में घुसकर ब्लडी पुलिस इन्फॉर्मर मुखबिर निकला हरामजादा। हमारे 5 लड़कों को मरवा डाला उसने। देखना, मैं भी गिनकर 25 निकालूंगा उसके खानदान से। तू भी उन्हीं में से है ना? अब यहां क्या करने आया है? मुझे उसका कुछ पता नहीं है। मैं तो मेरे दोस्त को पुलिस उठाकर ले गई थी। खुरान नाम का एक इंस्पेक्टर था। जैसी जब 15 दिन बाद वापस घर आया तो बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था उसे पुलिस वालों ने। मुझसे उसकी हालत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए निकल आया। मैंने सोचा था कि चीता मदद करेगा मेरी। खुराना की शक्ल जब आंखों के सामने आती है ना तो खून उबलने लगता है मेरा। वीना का चेहरा देखता हूं तो वो तेरी मंगेतर है ना, रंधावा की बहन, जसवंत रंधावा। मैंने तो पिछले महीने ही बता दिया था कमांडर को जब हम मिले थे। दो आए थे ना तुम्हारे घर, एक खुराना था, दूसरा वो बोरा। अब क्या करेगा, चीता तो है नहीं। जाकर जख्म चाटेगा अपने यार के?
या नामर्दों की तरह गुजरेगा पुलिस वालों की टांगों से? ठुड्डे खाएगा उनके? और क्या, हमारे पास क्यों आया है? वी आर प्रोफेशनल किलर्स और व्हाट? खुराना को उड़ाना है तो खुद जाके उड़ा, जा। हम हिफाजत कर देंगे तेरी, पर एक बात याद रहे, हमसे होशियारी की तो रंधावा और बहन उसकी, बेबे और दादा तेरा, सबको लिस्ट पर रख लेंगे। हम जहरीली बेरी को जड़ से उखाड़कर जला देते हैं ताकि बीज ना बच जाए। चल सोच लेना आराम से। क्या है, क्यों बार बार बैग पे हाथ डालता है? क्या पिनियर रखी है इसमें? तो दिखाता क्यों नहीं, क्या है इसमें? नहीं दिखाता। बड़ी जान है भाई। ये बंदूक क्यों फेंक दी, चलानी नहीं आती? चल सीख जाएगा। ओए कपिल देव दी औलाद, ठीक से पकड़ा उसके हाथ में, ये बम है, कोई क्रिकेट बॉल नहीं है। ये कुलदीप है, जान पर खेलने का बहुत शौक है इसको, लूदा पठा। और ये जैमल है, कृपाल। हाँ भाई, और ये वजीर है, इससे तो तुम मिल ही चुके हो। क्यों? हेलो, हाय, डोंट टेक पंगास विद मी। चलो यासीन, यासीन मियां, ये उधर से आया है, उस्ताद है मेरा, ये सब बनाना इसी ने सिखाया मुझे। I am MSc in chemistry. लो उठा लो जो दिल चाहे, उठाओ। उठा ले भाई, छू के देख, हाथ गर्म रहते हैं इससे। कम ऑन, चलो। स्कूल में था, क्लास में मास्टर ने पूछा आजादी कैसे मिली, मैंने कहा खून खराबे से। छोटा था लेकिन बंटवारे के मंजर मुझे अच्छी तरह याद थे। यू कॉल दैट ब्लडलेस इवेंट? क्लास में खड़ा कर दिया मास्टर ने और फिर क्लास से पूछा आजादी किसने लाकर दी, बताओ कोई है जवाब इस बात का? अरे कोई एक आदमी था जो लड़ने के लिए गया और जाकर आजादी उठाकर ले आया और लाकर हमें दे दी कि ये लो आजादी तुम्हारे लिए लाए हैं, बांट लो। बाप दादा हमारे मरे, खून हमारे बहे, घर बार हमारे बर्बाद हुए और आजादी लाने वाला कोई और था। देखो तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? कोई पार्टी वार्टी नहीं है मेरी, मैं किसी धर्म या देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी मजबूरी और बेबसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। यह सिस्टम मुझे नामर्द साबित करना चाहता है लेकिन मैं नामर्द नहीं हूं। मरते पिटते आए थे हमारे बाप दादा उधर से यहां फिर मरने पिटने के लिए, भाई आए तो अपने घर पर ही थे, अपने ही देश में,
आते ही क्या नाम मिला उनको? शरणार्थी हैं, शरण लेने आए हैं। इनकी माँ की, अरे आजादी तो हम लेकर आए थे इनके लिए, अपना जान माल सब लुटाकर। इन्होंने क्या किया है? अहद नामों पर दस्तखत करते रहे हैं बस। पाजी, खुराना की ट्रांसफर हो गई है। कहाँ? खन्ना में। टेम्परेरी पोस्टिंग लगती है, शायद साल भर के लिए। साल भर बहुत है, क्यों? घबरा मत, साल में हाथ पक्के हो जाएंगे तेरे, और तब तक उसकी मूवमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे। पाजी, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है उसके चारों तरफ। देख लेंगे। अब तक क्या कर लिया सिक्योरिटी ने? कुछ अनगार्डेड मोमेंट्स भी होते हैं, सबके होते हैं, उसके भी होंगे। चलो, मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो गया। हाँ, कुछ लोग जरूर सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। बिजली, पानी, घर, दवा, कानून, शिक्षा, कौन सी चीज है जो आम आदमी को नसीब हो गई है? साठ परसेंट लोग अभी भी गरीबी की लाइन के नीचे हैं, और वो सिर्फ गरीब ही नहीं बदनसीब भी हैं। 40 साल से ऊपर हो गए आजादी मिले हुए, आधी सदी, हाफ अ सेंचुरी, कब तक चाहते हैं इंतजार करें? चीफ के ऊपर भी कोई है जो ये मूवमेंट चला रहा है? कौन सी मूवमेंट? यही देश की, धर्म की, इसे क्या कहेंगे आप? देख बाबू, जब किसी आदमी के साथ बेइंसाफी होती है ना, और होती चली जाती है, अकेले वो लड़ नहीं पाता, तब वो अपनी तरह के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। कभी मोहल्ले और शहर के नाम पर, कभी जाति या धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, लेकिन उसकी लड़ाई होती उसी बेइंसाफी के खिलाफ है। जब चाहो इतिहास उठाकर देख लो, यही होता रहा है, यही होता रहेगा। तो फिर कानून किस लिए? कानून से कभी मसले हल हुए हैं? सुनते हो ना, इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी 10 साल 20 साल चलता रहता है। तुम्हारा मतलब है ये जंग कभी खत्म नहीं होगी? अभी तक तो नहीं हुई है। मैं किसी आने वाली नस्लों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मुझे अपना हक चाहिए, और वो भी मेरे जिंदा रहते हुए, अभी इसी वक्त। Good.
हाँ जी हाँ जी बहन जी हाँ और दसो दाले हो गई ना सारी दाला हो गई है जी सारी राजमा तर्म सिंह हाँ जी 2 किलो राजमा भी बन ले आई ले जी एक टोकरी भी लेते आना एक जी बहन जी भी ले आई साहब जी नहीं आए इतवार का दिन है इतवार के दिन तो साहब जी आ जाते हैं सुबह सुबह आए हैं ना सब्जी तरकारी ले रहे हैं और अपनी मांस मच्छी भी ले रहे होंगे जय हिंद साहब जय हिंद लाइए मुझे दीजिए साहब मैं उठा लेता हूँ अरे नहीं भाई तुम्हारी सरकार की सेवा तो रोज ही करता रहता हूँ एक दिन अपनी सरकार की सेवा भी कर लेने दो हाँ जी साहब ए, ए, चुप चुप हाँ क्यों भाई हो गया सब जी हाँ हो गया नमस्ते साहब जी नमस्ते नमस्ते कैसे हो जी बड़ी मेहरबानी है जी आपकी ये सब क्या ले आए ये गोभी मेथी बैंगन गाजर 2 प्यारी सी मुर्गियाँ प्योर वेज चावल दाल खाती हैं मुर्गियाँ भी कभी वेज होती हैं और पता नहीं तुम्हें होती हैं भाई मेरी और तुम्हारी तरह ये भी वेज और नॉन वेज होती हैं ओफो तुम मत खाना ए बस भाई बस पर मेरे लिए पका तो दोगी ना ठीक है पर्स दीजिए पर्स मैं इधर है निकाल लो अरे तू क्या कर रहा है ये रख ये सब हाँ जी कितने पैसे हुए ये हो गए आपके जी 270 चलो ये 200 खुराना हाँ? जिमी मिला बीजे क्या कर रही है तू सोटी कहाँ है तेरी वो पड़ी है तेरी मंजी के पीछे कमाल है तू बुला लेती ना मुझे हमें बस पाली की हाकी लेके उठ गई लगता है आके हाथ पकड़ लिया उसने ऐले फड़ ऐ मैनू दे पता ही नहीं बेड़ी तेरा कहाँ चला गया आ जाएगा बीजे पर अब तू कहाँ चल रही इस वक्त रात को गुरुद्वारे जाऊंगी मत्था टेक के आऊंगी जरा दिल ठहर जाए आज बड़ा याद आ रहा है ना पाली आ जाएगा बीजी पाली आ जाएगा राम नाल पुलिस के पैरे क्यों लग रहे हैं गली में पिछले 4-5 दिन से देख रही हूँ सारे गांव में लग रहे हैं बीजी कल बाबे को मिलने गया पाली के दादाजी को वहां भी यही हाल है रब खैर करे तुझे अंदर वीरा कर लिए पाजी पाली 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 है पाली तो है कहां क्या कर रही यार तू सोच सोच के ना
हमारे तो दिल दहल जाते थे, दिमाग खराब हो जाता था हमारा। कैसे उल्टे सीधे सवाल आते थे हमारे मन में कि पता नहीं तुझे क्या हो गया, तू है कहाँ यार? जैसे अब कैसे कैसे बताऊं तुझे यार, मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। जैसे जैसे मैंने जैसे मैंने कुराना को मार डाला। जो तुझे ले गया था ना यहां से, हाँ। जिसने ठुड्डो से मारा था ना तुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जस्सी, आके भवड़ जलते थे मेरे अंदर। अब पूछ के क्या, वीरा जाके कुछ ले आ पाली के लिए। देख मेरे यार की शक्ल कैसी कैसी आधी हो गई है। मैं नहीं जाऊंगी, यही रहना है मुझे। जैसे मैं लकीर के उस तरफ निकल चुका हूं, मैं अब नहीं लौट सकता, नहीं लौट सकूंगा। देख जैसे तू वीरा को कहीं ब्याह दे, किसी अच्छे से घर में, बड़ा उपकार होगा तेरा। टेररिस्टों में चला गया, पागल हो गए हैं सारे। कहते हैं उसके लिए पहरे लगे हैं गांव में। कोई नहीं, तुझसे मिलने तो आएगा ना, मैं पूछूंगी उससे। विजय आ गए गुरुद्वारे से, मैं निकल चलता हूं। मुसीबत हो जाएगी सबके लिए। पाली ये तूने क्या कर लिया है यार, विजय वीरा को कहां छोड़ू मैं? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरी सौ है तुझे, तू यहां से आगे नहीं जाना। और दादा भी तो है ना मेरे, उनका रखवाला अब तू ही है ना। चल कहां जाना है तुझे, मैं तुझे छोड़ के आता हूं। तू यहां से कहीं नहीं जाएगा। एक जैसे तू वीना को समझा लेगा ना, वो बहुत सिद्धि है। और तू उससे मिलेगा नहीं? पाली वीरा क्या कर रही है तू यहां, कहां जा रही है? क्यों, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ, कल कहीं भी जाके पहरे ले लूंगी, और ना भी ले सकी तो क्या है? तू अपनी वोटी मान ले तो तेरा विश्वास बहुत है मेरे लिए। तेरे ही साथ पहरे ले लूंगी, पागल मत बन वीरा, मेरा अंत जानती है तू? जानती हूं मैं अपनी मौत,
अपने साथ लिए घूम रहा हूं। तो डरते हो क्या मौत से? डर लगता है तेरे बगैर, अकेले अकेले मरना बहुत मुश्किल है वीरा। तो मैं चलती हूं ना तेरे साथ, मुझे अपने साथ ले चल पाली प्लीज, ना मत करना, तेरे ही साथ मरूंगी सच्ची। मेरा जाना मुश्किल ना कर वीरा, नहीं तो रास्ते ही में हलाक हो जाऊंगा। पुलिस, सनातन, वजीरे, तुम गए सकया, तुम गए सकया, मैं अपनी ही मिट्टी तले दब गया। तुम गए सकया, तुम गए सब गया, मैं अपनी ही मिट्टी तले दब गया। तुम गए पर डाल कर वो गया, कब गया। तुम गए सब गया, तुम गए सब गया।
जन्म के दुख नवारा सुखा मन साधारे दर्शन पेट धोत निहाला हर का नाम बिचारा जन्म जन्म के दुख नवारा सुखा मन साधारा दर्शन पेट धोत निहाला हर का नाम बिचारा मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम खुद मुख देव काट रख दे श्रीकाल जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। चल बैठ जा। फार्म हाउस इसलिए खाली करना पड़ा कि डर था कि पुलिस वहां तक न पहुंच जाए। और इतने दिन आप जानते थे मैं कहां हूं? पर यह नहीं जानता था कि पुलिस कहां तक पहुंच पाई है। पुलिस गुरुद्वारे तक पहुंच गई है, वो तुम्हारी एड़ियों पर है। इस लिबास में ना होते तो पकड़ लिए गए होते। लेकिन पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? खुराना के लिए। उन्हें कैसे मालूम कि वो मैंने किया है? तुम अपने गांव वापस मत जाना, वहां पुलिस का कड़ा पहरा है। इंस्पेक्टर बोहरा याद है? हाँ। तुम्हारा गांव उसी के अंडर में है। और जसवंत? वोहरा ने उसको दोबारा अंदर कर दिया है। मुझे जाना चाहिए, बीजी और वीरा कल्ले होंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, वो मेरी निगरानी में हैं और तुम्हारे दादा भी उनके साथ हैं। और जसवंत? मेरे लिए पुलिस उसकी हड्डी पसली एक कर देगी। और तुम्हारी? तुम्हें छोड़ देगी? क्या करेगी, मार डालेगी ना? पुलिस नहीं मारेगी। चेते को पुलिस ने नहीं मारा था, याद है? तुम पंजाब छोड़कर हिमाचल चले जाओ। सनातन कहाँ है? पते नहीं पूछा करते पुत्र, ना याद रखे जाते हैं। हम लोग लव लेटर तो नहीं लिखते। तुम हिमाचल चले जाओ, वहां एक काम है, एक मिशन। वहां मणिकरण में तुम्हें कोई मिल जाएगा। हेलो नानू। हाँ नानू चाचा। हाँ हाँ, मेरी भेड़ों का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूं। बर्फ थम गई है, तू भी निकल जा। चैमल वगैरह गए सब? वजीरा तो यही है। नानू चाचा। हाँ। मेरी गन कहाँ है? वो ले गया होगा जैमल सिंह, रात को बाहर आकर ही सो गया था तू। हाँ वही होगा, अब सनातन को बोल देगा तो खामा खा परेड हो जाएगी मेरी। अरे सनातन तो कब का गैराज आ चुका होगा, मैं जा रहा हूँ। सत श्रीकाल सर जी। हाँ सत श्रीकाल भाई। प्रसाद जी गुरुद्वारे से आ रहे हो? हाँ जी। उम्र लग कहाँ थे रात भर तुम लोग? लोड़ी थी, नानू चाचा के यहाँ गए थे, सोचा था आप भी आएंगे वहां पे। मैं तो कल रात देर तक यहीं काम कर रहा था। कोई खबर आई कमांडर से? किस बात की? कोई मिशन है ना यहाँ?
क्या मिशन है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया था? अभी तक तो मुझे भी खबर नहीं है, कोई छठा आदमी आएगा, कोई मिसाइल शूटर है। मिसाइल्स कहाँ हैं? आ जाएंगी। सर जी एक जॉब मिल रहा है मुझे यहाँ स्कूल में, कर लूं? पागल हो गए हो? सब अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें छप चुकी हैं। अब तुम एक बड़े आतंकवादी हो, बड़े बड़े पुलिस अफसरों की प्रमोशन का जरिया बन चुके हो। आजकल पुलिस वालों को बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिल रही हैं। वो कैसे? किसी को भी मार के एनकाउंटर बना देते हैं, बड़ी सी फाइल तैयार हो जाती है, ना कोई देखता है ना पहचानता है, शनाख्त दर्ज हो जाती है, प्रमोशन मिल जाती है। The whole bloody system is fake and full of hypocrisy. सर जी अगर लोगों की नहीं चलती है तो डेमोक्रेसी किस काम की है? क्या लोग कुछ भी नहीं कर सकते? सीली तीलियों से कोई इनकलाब नहीं भड़कता। तीलियां? तीलियां, माचिस की तीलियां, जो चिराग भी जलाती हैं और चिताएं भी। तीलियां अगर सील जाएं तो एक एक को फूंक फूंक कर जलाना पड़ता है। जटा, क्या है भाई इसमें? दूध है। किसका? भैंस का। इसका ये मतलब नहीं है भाई। है किसका? तेरा ही है ना? हाँ। तो एक गिलास दूध दे दे यार, चाय को बैठे थे अपना दूध ही फट गया। नहीं नहीं भाई मेरा नहीं है, किसी और का है। अरे तो एक गिलास से तेरा क्या जाएगा, ब्याज से पानी मिला लीजो। नहीं भाई। ये शोल्डर क्यों कर रखा है? वो इसलिए कि खोल के दिखा, खोल के दिखा। कोई गड़बड़ लगती है भाई, फोन घुमा जल्दी से। नंबर क्या है? पंजाब की गाड़ी है, PUF 621। कोई मिसाइल के छर्रों जैसा सामान मिला है जी? जी लगता है लेह की तरफ से आ रहा था और पंजाब में जा रहा था शायद। जी गाड़ी का नंबर तो पंजाब का ही था। जी हमने जो है मोटरसाइकिल को ब्यास दरिया से निकाल लिया, अब आदमी तो पता नहीं डूब गया कि बह गया, पर तलाश जारी है। और इधर आने की बजाय मैं उल्टा भाग लिया कटराई की तरफ। ओए मोटरसाइकिल किसी भी गली में छोड़ के गुम हो जाना था। मैं क्या हुआ? मैं डर गया था पाजी। गोली चलते ही ऐसा लगा कि बस आज कहानी खत्म हो गई। ओ
गोली के साथ ही मांस का टुकड़ा निकल गया। अच्छा हुआ टांग में नहीं गई। तब घर के बाहर सोना, दूर दूर, यू नेवर नो, कोई सुराग मिल गया तो घर पर छापा मार सकते हैं। जो सामान पड़ा है अंदर उसे नानू के यहां डाल दें। ले जाने में रास्ते में खतरा है, कृपाल तुम ख्याल रखो, मैं जरा आसपास देख कर आता हूं। पाजी वापस भेज दो पाजी। कहाँ? पाजी मैं गांव जाऊंगा पाजी, वहां से कनाडा चले जाऊंगा। उल्लू के पट्टे, ये भागने का वक्त है पाजी। मैं डर गया हूं धर्म से पाजी। दूर से ये बड़ा थ्रिलिंग लगता था, लेकिन मौत से कभी मेरी आंख नहीं मिली थी। पाजी प्लीज मुझे वापस भेज दो। पता है तू हम सबकी मौत की वजह बन सकता है। नहीं पाजी, मेरा पासपोर्ट वीजा सब तैयार था जब मैं गया। क्यों नहीं? पुलिस चौकी पर मेरी पगड़ी उतरवा के तलाश ली थी उन्होंने, बस वहीं से मेरा सिर घूम गया था। सर जी ये देखिए, ये खबर पढ़ी आपने? चौदह हिंदू चुनकर बस से निकाले गए और भून कर छलियों की तरह सड़क किनारे फेंक दिए गए। मैं इन सियासत वालों के झांसे में आने वाला नहीं हूं। ये किया नहीं जाता, करवाया जाता है, और जो लोग ये करवाते हैं उनका धर्म से दूर दूर का लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपनी वोटों का हिसाब करते हैं, वो बांटते रहेंगे और हम बढ़ते रहेंगे। एक बंटवारा तो पहले ही उन्होंने हम पर थोप दिया था हिंदू मुसलमान कह के, अब फिर एक बंटवारा करवाना चाहते हैं हिंदू सिख कह के। कितने टुकड़े करेंगे हमारे? भाई जिनके हार्ड मांस पर उगा हूं मैं, जिनके शरीर का हिस्सा हूं मैं, अगर वो मुझे काट कर फेंक देंगे उनका शरीर नहीं कटेगा क्या? मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, सबकी शादियां गुरुद्वारे में हुई थी। मेरा बड़ा भाई, पहला बेटा घर का, सरदार था, तो फिर मैं कौन हूं? कहां है वो भाई आपके? कहां है वो सब घर वाले? आधे 47 ने खा लिए थे, आधे 84 खा गया। पैरी बना पाजी। जी तरह पाजी, ये जख्म मेरा ठीक हो गया, बस निशान जैसा रह गया, अब चले जाऊं जी। कल सुंदरनगर तक मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें, लखवीरे की दुकान से साइकिल मिल जाएगी,
अंदर अंदर के रास्ते से गांव निकल जाना। गुड लक टू यू दोस्त। वी आर गोइंग टू मिस यू लॉट। हाँ, बड़ी देर के बाद अपने घर लौट रहा है। क्यों भाई, कौन घर लौट रहा है? किसके लिए नाक बज रही है आपकी? हाँ भाई कुलदीप, यार था तब भी तंग किया करता था, नहीं है अब भी कर रहा है। बड़ा याद आ रहा है यार। अब तक तो घर भी पहुंच गया होगा शायद। हाँ अभी अभी बस घंटी बजाई ट्रेन और साइकिल मोड़ा गांव की तरफ। खुली हवा, खेतों की सरसों की महक और पीले पीले तितलियों जैसे फूल। क्या हुआ? हो गया। 13 मार्च को केदारनाथ हारा है। कौन केदारनाथ? वही 84 के दंगों वाला एमपी था, मिनिस्टर हो गया है। ये वही केदारनाथ है जिस पर जिमी ने हमला किया था दिल्ली में और वो बच गया था? मिनिस्टर बनने के बाद मणिकरण साहब मत्था टेकने आ रहा है। ड्रामेबाज हैं साले, सब के सब एक्टिंग करते रहते हैं। मणिकरण जाने के लिए उसे पुल पार करना पड़ेगा। आइडियल लोकेशन है उसे उड़ाने के लिए। शायद उसकी कार बुलेट प्रूफ हो इसलिए मिसाइल का इंतजाम किया है, मिसाइल शूटर का भी। कब आएगा मिसाइल शूटर? है पीछे ट्रक में। मैं तुम दोनों को मंडी उतार दूंगा, वहां से तुम अपने आप संभाल लेना। ओ जयमल, यहां बैठा क्या कर रहा है? कब से देख रहा हूं तुझे। क्या सोच रहा है तू? हाँ माँ को ना यार बर्फ बहुत पसंद थी, कई बार कहा करती थी। सुबह से बहुत याद आ रही है माँ की। तो जाके मिल क्यों नहीं आता उन्हें? फिर भागना पड़ेगा, फिर दुख होगा, फिर सहना पड़ेगा माँ को। तू बताता क्यों नहीं किसे मार के भागा था तू? चौरासी के दंगों में मेरे दारजी को ना उन्हीं की पगड़ी से बांधकर चलता हुआ टायर उनके गले में डालकर भस्म कर दिया था लोगों ने। और मेरी मां ने ना मुझे घर में बंद कर दिया था क्योंकि मैं बचाने जाना चाहता था उन्हें। वो फूल आज तक रखे हैं मेरी मां के पास, उसने बहाए नहीं। कुछ दिनों बाद जब मैं कॉलेज जाने लगा, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरी मां ने जबरदस्ती पकड़ कर मेरे बाल काट दिए। पता है कॉलेज में मेरे हिंदू दोस्तों को बहुत बुरा लगा था, बेचारे गिल्टी फील करने लगे थे। सिखों पे जोक सुनाने छोड़ दिए थे उन्होंने। लेकिन मेरी मां ना रात को आकर मेरे सिरहाने पर बैठ जाती थी। निर्भव
निर्वैर मेरे बालों में हाथ फेरती रहती अकाल मूर्त रोती रहती थी अजूनी से भंग गुरु प्रसाद सारी सारी रात चुपचाप बैठी कुर्बानी का पाठ करती रहती थी लेकिन मारा किसे खून किसका किया एक एमपी था हमारी सोसाइटी में मैंने उसे भीड़ से भागते हुए देखा था दारजी ने बहुत आवाजें दी थी उसे लेकिन वो घर में जाकर छुप गया था वो होता तो मैं दारजी की किरपान अपनी किताबों में छुपा कर ले जाता था एक दिन लिफ्ट में मैंने वो किरपान उसके पेट में खोप दी मैं किताबें फेंक कर वहां से भागा और वे तू केदारनाथ एमपी की बात कर रहा है क्या हाँ लेकिन वो तो वे तू जिमी है क्या हाँ वहां जिमी ही बुलाते थे मुझे क्या हुआ पाली कुछ नहीं भाभी की मर्जी का कुछ पता नहीं चलता रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के फिर से बर्फ पड़ गई हाँ अचानक ही मौसम खराब हो जाते हैं यहाँ सचिकाल सर जी सचिकाल हाँ भाई पैरी पोना पाजी जीते रहो कुलदीप को पहुंचाए पहुंच गया और किसी से मिले आप कमांडर से मिला कब आ रहा है हमारा सिक्स्थ मैन अब तो पांचवा पांडव ही कहेंगे ना कुलदीप तो नहीं है कब आ रहा है मिसाइल शूटर आ गया जी पहुंच गया कहाँ है बाहर है वीरेंद्र जी कृपाल की वीरा हो Thank you.
पाली कहाँ है? वो बाहर है, बाद में खा लेंगे। आज हमारे साथ क्यों नहीं? चुप। भाभी आप भी खा लो। आप खा लो वीर जी, मैं उन्हीं के साथ खा लूंगी। बस वीरा जी, मैं ऐसे ही बुला लूं तुझे वीरा? घर में तो सब ऐसे ही बुलाते थे, छोटे बड़े। मंडी से यहां तक बताया नहीं तूने कि तू वीरा है, हमारे कृपाल की वीरा? मुझे पता नहीं था वो यहाँ है, मुझे नहीं बताया गया था। ट्रेनिंग कैंप से उठा के सीधा यहाँ भेज दिया। अब इसे ही अपना घर समझो। ये जगह वैसे तुम्हारे लिए नहीं थी, अब है तो क्या करें? ये दोनों छोटे देवर हैं तुम्हारे, मैं बड़ा हूं घर में, कृपाल को संभाल लेना, शाम से सुन बैठा है। जी। खाना खा लो। तूने खाया? खा लूंगी। बैठ, तू भी खा ले मेरे साथ। ले खा। तुम खाओ। बीजी कैसी हैं? वो नहीं रही। बीजी क्या हुआ? जस्सी पाजी को दोबारा पकड़ के ले गए थे, पता है ना? हाँ पता चला, पर बस वही बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। बताओ किसी का क्या बिगाड़ा था हमने जो हमें इस नरक में धकेल दिया, सारा घर उजाड़ दिया। जस्सी का क्या हाल है? जो हाल होगा उसका वो तो जानता हूं मैं, पर कोई खबर उसकी? खाना तो खा लो। कोई मिलने गया था उससे? तुम मिलने गई थी? क्या हुआ उसे? बोलती क्यों नहीं? क्या क्या हुआ जस्सी को? हाँ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ जस्सी को? गई थी एक बार, उनसे मिलने गई थी,
टॉर्चर किया था पुलिस ने। शक्ल से तो नहीं पता लगता था, पर जब उठने की कोशिश की तो दौरे हो गए। सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था उनसे। कहते हैं बहुत अंदरूनी मार मारी थी पुलिस ने। फिर सुना उनकी बर्दाश्त टूट गई। और जेल के कुएं में खुदकुशी कर ली। फिर अकेली क्या करती, जानते हो ना जो हाल होता है औरतों का जब अकेली हूं तो। वो इंस्पेक्टर था बोरा, रोज रोज घर के गेड़े लगाया करता था, तुम्हारे बारे में पूछता था। बस एक दिन दादाजी को घर भेजकर तुम्हारे कदम चुनती चुनती यहां तक पहुंच गए। क्या हुआ? ये बांध दो कहीं, कपड़े सुखाने हैं। कहाँ बांधे? उधर बांधते। देख संभल के, हाँ खींच जोर से, हाँ टाइट फड़ ले। वीरा ये काला धागा क्या है तेरे गले में? ये मेरा मंगलसूत्र है समझ लो। सो जाओ अंदर जाकर, मैं बैठता हूं पैरे पर।
ए, यहां क्यों चली आए? इतने सारे मर्दों के बीच सोते हुए ऑकवर्ड लग रहा था ना। तुम्हारे सामने इस तरह सोते हुए बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इसीलिए चले आए बाहर ठंड में मरने। ये लो। अच्छा सुकाम हो गया तुम्हें? तुम्हें भी। मुझे तो तुम्हें से लगा। ठंड है ना? देखो बात करो तो कैसे मुंह से धुआं निकलता है। हाँ देखें तो सही तेरा मंगलसूत्र। इसके साथ ब्याह हुआ है तेरा? साइनाइड के साथ? चुड़ैल, तुम्हें क्या लगा था मैं ब्याह कर लूंगी? अरे इससे तो हमारा ब्याह भी हुआ है, ये देख। क्या हुआ, चल गई? हाँ चले मेरी सौत। सौत सौत या मौत? पीना तेरे बगैर मरना कितना आसान था, तूने आकर मुश्किल कर दी। अब जीने को जी चाहता है सच। देखो क्या हुआ? आ, आ, क्या कर रही है? लगी लगी Mm-hmm.
पानी पीने के लिए थोड़ा कोसा कर दिया है। भाभी नाश्ते में क्या बनाया है आज? हलवा है भाई, तेरी तो ऐश हो गई, किचन से छुट्टी मिल गई और ऊपर से घर का खाना मिलने लगा। ये जूठे बर्तन अब वहीं रख दे, मैं धो लूंगी। वीरा, जब से तू आई है सारा दिन घर की चिंता लगी रहती है। पहले सिर्फ लड़के थे, चिंता नहीं होती थी। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं घर भी संभाल सकती हूं और जो काम करने के लिए आई हूं वो भी संभाल सकती हूं। कोई टेस्ट लेना है मेरा? टेस्ट तो बस अब उसी रोज होगा, बहुत दूर नहीं है। जान की बाजी लगने वाली है, पता नहीं हमें से कौन बचता है कौन जाता है। मैं तो सबको खुदा हाफिज कह के निकलूंगा। ये उस तरफ की बोली बोलता है, उस पार गया था ट्रेनिंग के लिए और वहां एक नफीसा के चक्कर में पड़ गया। सर व्हाट डू यू मीन बाय चक्कर? हाँ ओ सॉरी भाई, जी नहीं, नफीसा जी के इश्क में मुब्तला हो गए। अब दिल तो आखिर दिल है, सब जगह एक ही जैसा धड़कता है। अब उनकी याद में ये गजलें लिखता रहता है और गाता रहता है। बस हर वक्त मेरी टांग खींचते रहते हो, आप भी तो अपनी गुरनाम कौर को नहीं भूले अब तक। शट अप। कृपाल कहाँ हैं? जी नानू से मिलने गए। वीरा के लिए घर पर ही रहना। वीर जी नाराज नहीं हुआ करते, मजाक ही तो कर रहे हैं। वैसे ये नफीसा है कौन? भाभी आप ही शुरू हो गई। अरे भाभी देवर में कुछ छुपा थोड़ी रहता है, मुझे बताओ मिला देती हूँ। वो उस तरफ है भाभी, सरहद पार, बड़ी सुरीली थी, कुरान की तलावत करती थी तो सुन के जी चाहता था मुसलमान हो जाओ। तो वापस क्यों आ गए? वहीं रह जाते, धर्म से क्या होता है और दिल से बड़ा कौन सा धर्म होता है? उन लोगों ने बहुत मारा मुझे भाभी, जान से ही मार डालते, लेकिन तफीसा ने निकलवा दिया। ये देखिए, ये इमाम जामिन उसी का है। ला मुझे दो। नहीं मैं। अरे वीर जी, ओ पाली तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? तुझे ही तो मिलना आया था चाचा। चला। वाह तेरी भेड़े तो बड़ी एक्सपर्ट है, एक बार बुर्रा का सब चढ़ गई पुल पे, एक के बाद एक। मश करा दी है। हाँ। दिन में दो बार रियाज होता है इनका। हाँ। तू सुना। हाँ। वीरा का क्या हाल है? मजे में है, मौत के पास आ गए लेकिन साथ साथ अच्छा लग रहा है। देख ले, चाचा ने कहा था ना बाबा सब ठीक कर देगा, अब तू बेशक उससे ब्याह कर ले। ब्याह तो कर ही लेंगे चाचा, अगर उससे ना किया तो
उससे ना किया तो? नहीं, मैं कह रहा था ना, अगर अब भी ना किया तो फिर क्या? समझ गया भवा, चलो। क्या ढूंढ रहे हो? ओ यार, एक थी मेरी ओटी, कल एक पड़ी रहती थी, न जाने कहां गुम होगी। मेरे गले आ पड़ी है। वो तेरी? ये क्या किया तूने? अपने होते सौत को क्यों रहने दूं तुम्हारे पास? ला। ओए। सॉरी। ये तो गिर गई। पीरा, चल शादी कर लें। बैंड बाजे तो नहीं होंगे, पटाखे बहुत हैं, तो छार हम ही छोड़ देंगे। कल क्रांति से बात करके आऊं? कर लो। यूं भी सुना है कुड़ी कुंवारी रह जाए तो नरक में जाती क्या? है। नरक में जाती है। सुन नहीं रहे? नरक में जाती है कुड़ी कुंवारी रह जाए तो। वो जो पहाड़ है ना, उसके पीछे तक जाएंगे हम, चलेंगे हम दूर तक। हाँ, कहाँ से जाएंगे? वो जो रास्ता है ना, वो पहाड़ के पीछे से आता है, आओ वहां चलते। उधर ना? हाँ बाबा, उधर तो कुल्लू है, उधर से जाते हैं, वहां से जाते हैं। और गाड़ी उधर खड़ी, चलो गाड़ी में चलेंगे। राम सिंह को बोलो गाड़ी तैयार करो। चलो राम सिंह, अभी घर पहुंच जाएंगे, अभी चलते हैं। गाड़ियां तैयार होंगी और आप लोगों का सामान वगैरह भी तैयार है, बस आप और मेरी वजह से आप लोग क्यों बोर होते हैं?
भाई आप लोग जाओ धर्मशाला, जाओ दलाई लामा का आश्रम देखकर आओ। आगे मौका मिलता है या नहीं यहाँ आने का, इतनी दूर आए हैं आप तो हो आओ ना। क्यों अदित, आप भी तो चलिए ना। ला आदित्य को दे दो। आ जा बाबा, आ जा, आ जा, जा बाबा। पापा पास आ जा। साहब फोन है साहब का। साहब तो मैं हूं, फोन किसका है? बड़े साहब का, चंडीगढ़ से। यस सर। जी जी सब सेफ है सर, वैसे भी वादी में ऐसे कोई आसार नहीं है। जी हाँ, मैंने खुद पूरा बंदोबस्त चेक किया है। जी जी हाँ बिल्कुल, मिनिस्टर साहब जब चाहें आ सकते हैं। एब्सोल्युटली सर जी, सिम्मी और बच्चे को धर्मशाला भेज दिया मैंने। हाँ दलाई लामा का आश्रम देखने। जी हाँ, मिल गए तो आशीर्वाद भी ले लेंगे, वो माहौल भी तो देख लें बच्चे। हमारा जो असर पड़ता है कुछ तो नलीफाई हो सर। हाँ बंदूकों और पिस्तौलों से खेलते हैं, उनके खिलौने भी वैसे ही हो गए। यू राइट सर, उनका भी कोई कसूर नहीं है। अब पुलिस ऑफिसर के घर और क्या देखेंगे जी। जी हाँ सर, ना होती गन अगर हाथों में तो शायद कलम होती। जी हाँ सर, शायरी का तो बहुत शौक रहा एक जमाने में, बल्कि कॉलेज में तो हम साहिल तखल्लुस भी रखते थे। जी सर जी, कौन खुश है गोली चला के, एक गुनाह के साथ आदमी के साथ सवाब भी तो मार डालते हैं। जी सर मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कल ही रिपोर्ट करता हूं सर। माय रिगार्ड्स टू लेडी। सर सर जी
बुर्रा, यू बास्टर्ड। कृपाल सिंह, वाह, ले जाओ इसे। चल चल चल, चल। बस इतना ही? नहीं, और भी है सर। ऊपर ले आओ। जी सर। कोई औरत भी रह रही है इनके साथ? उसी ने पता बताया है। बोल पड़ा साला हरामजादा एक ही रात में। वो नहीं बोल सकते, मैं बाबे की कसम खाती हूँ, वो नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। उन्हें मालूम था मैं वहां पर हूं, कैसे बोल सकते। तू भी उसके साथ साजिश में शामिल है। वजीरे ने अपनी आंखों से देखा है उसे गेस्ट हाउस में जाते हुए, जहां वो डीसी ठहरा है। मुकुल, मुकुल, मांदे से। जीते ने भी यही किया था, बिल्कुल यही, वरना साइनर क्यों नहीं चबा लिया उसने? मर क्यों नहीं गया पकड़े जाने के पहले? मुझे तुम दोनों पर शक है, और यह भी देख लेना वो जेल तक नहीं पहुंच पाएगा। डाल दे से ऊपर पर छत्ती पर, मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। चल चलो। पर वजीरे, कमांडर को खबर पहुंचा दी है, कृपाल का बंदोबस्त हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे तक अगर तेरे पास कोई खबर ना पहुंची तोड़ा देना इस लड़की को। 10 बजे पुल पर पहुंचना है, केदारनाथ आ रहा है। केदारनाथ? हाँ, वो एमपी तेरा मिनिस्टर हो गया है। वो जिंदा है? उस वक्त तो बच गया था। चल तू आ मेरे साथ। सोनिहार, सोनिहार,
उर्रा, उर्रा, चल, उर्रा, हा, उर्रा, उर्रा, हा, चल। कहाँ हो? Thank you.
मुझे तुम दोनों पर शक है, और ये भी देख लेना वो जेल तक नहीं पहुंच पाएगा। चेला साहब, ये लड़की उसकी मंगेतर है। जी इतना सही है, मैं जानता हूँ। कृपाल सिंह से मिलना चाहती है, शायद उसी से कोई राज खुले, इस ग्रुप का पता चले। क्या विजिटिंग रूम में? नहीं नहीं, विजिटिंग रूम में नहीं। कृपाल सिंह को इस हाल में वहां लाना ठीक नहीं है। उसकी तलाशी ले लीजिए ताकि किसी किस्म का हथियार वगैरह ना ले जा सके, और वहीं सेल में ही मिल लेने दीजिए। इसे बैरक नंबर 2 में लेके जाओ, बाहर पहरा रहेगा और सेल का दरवाजा खुला रहेगा, गार्ड्स होंगे, अच्छी तरह से तलाशी लेना। यस सर। लेके जाओ। चलो आओ। सिर्फ इतना देख के वापस आ जाना कि वो कहाँ रहती है, किन लोगों के साथ रहती है, लेकिन दूर फासले पर रहना।